गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज ये डीजे लाइट के बारे में बताने वाले हैं, जो कि गाइस आपको पता होगा ये ज्यादातर डीजे में यूज होता है, इसलिए इसे डीजे लाइट करते हैं ज्यादातर। तो गाइस जो है 60 वाट का है, जो कि देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारा खराबियां आता है, जो कि छोटे छोटे खराबी होने के कारण इसे रिजेक्ट कर देता है और न्यू को ला लेता है। तो गाइस आज कोई भी इसमें खराबी होता है, छोटा हो या बड़ा हो, हर तरह से हम डाउट क्लियर करने वाले हैं। और ये 60 वाट का है, तो गाइस इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस मात्र 800 से लेकर 1100 तक के बीच में आता है, जो कि हर एक कंपनी इसके बीच में आ जाता है। तो गाइस इस चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसमें लास्ट तक जरूर बने रहे, काफी इसमें नॉलेज वाली टिप्स देने वाले हैं, एंड तक जरूर बने रहे। तो करते हैं बिना टाइम लिए वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस ये न्यू डीजे लाइट है, जो कि ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं करना चाह रहे। और गाइस एक डीजे लाइट आज आया है, जो कि कस्टमर लेके आया हुआ था, बाकी इसमें आज चेक करेंगे। सबसे पहले इसको चेक करना जानेंगे, कैसे इसको चेक करेंगे, क्या चीज इसमें खराबी है, फिर यह भी जानेंगे इसको कैसे सही भी कर सकते हैं। तो एंड गाइस इसमें यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2, 4, 6 स्क्रू है टोटल। इस होल में स्क्रू लगा हुआ रहता है, सारा स्क्रू को ओपन कर लेंगे फाइनली, उसके बाद यहाँ से खोलेंगे। तो फाइनल स्क्रू को हम खोल चुके हैं, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ओपन हो रहा है इस तरह से। तो गाइस इसमें कुछ इस तरह से पार्ट्स लगे हुए होते हैं। टोटल इसमें पार्ट्स की अगर हम गिनती करें तो गाइस सबसे पहले नंबर 1 पार्ट्स ये है, 1, 2, 3 और ये LED किट हो गया, 4 पार्ट्स और एक यहाँ डिस्प्ले पार्ट्स है, ये सॉरी गाइस, जहाँ से हम पिन को ये ओपन करते हैं लगाते हैं। तो गाइस टोटल 4-5 पार्ट्स है। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इस वायर को हम चेक करेंगे ये वायर सही है या खराब है। तो गाइस यहाँ पर हम इस बोर्ड में लाइन को ले लिए हैं, पहले यहाँ से लाइन देकर हम यहाँ पर चेक आपको दिखाने वाले हैं। ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, ये पंखा भी देख पा रहे होंगे कभी कभी ये थोड़ा सा हिलता है। तो गाइस यहाँ से पता चल रहा है कि वायर मेरा लगभग सही होगा, तो लेकिन फाइनल गाइस ऐसे नहीं हम कर सकते हैं, फाइनल हमें पता करना होगा। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर मल्टीमीटर लिए हुए हैं और यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर दिए हैं। तो गाइस पहले हम यहाँ से वायर को चेक करने वाले हैं, जो कि देख पा रहे हैं यहाँ जब हम सटाते हैं तो यहाँ पर बता रहा है और वाइब्रेट भी कर रहा है, साउंड भी दे रहा है। तो गाइस एक यहाँ पर ये जो प्लग है किसी एक पिन पर रखेंगे और दूसरा यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ जो आया हुआ है यहाँ से हम चेक कर रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ दिखा रहा है 0.2 दिखा रहा है, मतलब ये तार सही है। और अब इसमें से हम इस वाले लिट को रखेंगे, फिर इसको भी चेक करेंगे। तो गाइस ये फाइनल पता चल रहा है कि वायर मेरा बिल्कुल सही है, वायर में कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आपको पता चल गया होगा इस डीजे लाइट का ये वायर जो है बिल्कुल सही है। और ये सारा ये जितना देख पा रहे होंगे ये जग पर लगा हुआ होता है, यहाँ से हम खोल भी सकते हैं, ये खुल गया है। और ये देख रहे होंगे ये किट से इस किट में लाइन आया हुआ है, ये भी जग पर है, इसको भी हम खोल सकते हैं। तो गाइस यहाँ से थोड़ा सा यहाँ प्रेस करना होता है और खींचना होता है, ये देख पा रहे होंगे इसको प्रेस करना होता है इस तरह से, ये प्रेस करते हैं तो ये बहुत आसानी से खुल जाता है। और ये फैन है जो कि 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, इस फैन का जग भी हम इस तरह से खोल सकते हैं, ये भी खुल गया। तो फाइनल सोच रहे होंगे गाइस हम सारा जग को क्यों खोल रहे हैं, तो इसमें भी कुछ कंडीशन है गाइस। तो सबसे पहले इस जग को फिर हम लगा देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद फिर जो है ना गाइस हम यहाँ से हम वोल्टेज को चेक करने वाले हैं। इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए और इसमें 30 वोल्ट से 35 वोल्ट के बीच में इसमें आना चाहिए, जो कि इस किट में फिर लाइन आता है, यहाँ से फिर इसको ट्रांसफर करता है 30 वोल्ट, ओनली 30 वोल्ट, और इस फैन के लिए 12 वोल्ट यहाँ से ट्रांसफर होता है। तो गाइस पहले यहाँ पर हम यही चेक करने वाले हैं इस किट से लाइन यहाँ पर आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए तो पहले गाइस हम यहाँ पर फिर लाइन दे रहे हैं, जो घुसा दिए हैं प्लग को, अंदर डाल दिए हैं, फिर इसको हम ये दोनों लीड को लेंगे और दोनों लीड से चेक करेंगे। तो और गाइस यहाँ पर हम DC रेंज पर अब सेटिंग करने वाले हैं, जो कि देख पा रहे होंगे कर दिए हैं इस तरह से। आपको गाइस यहाँ पर चेक करके भी बता सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे जब हम यहाँ पर सटाएंगे तो यहाँ 12 वोल्ट का बैटरी है, तो 11 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब AC से हम बैटरी को चेक करेंगे, यही वोल्ट DC वोल्ट। तो गाइस यहाँ पर पहले हम दूसरा किट में जो ट्रांसफर होता है उसको चेक कर रहे हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ दिखाइए सही से, ये देखिए गाइस दोनों पिन पर जब हम सटा रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं बता रहा है, मल्टीमीटर में देख सकते होंगे थोड़ा सा 1-2 वोल्ट भी नहीं दिखा रहा है। अब ये 12 वोल्ट वाला हम चेक करते हैं, तो 12 वोल्ट में थोड़ा सा ये तो गाइस दिखा रहा है 1 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट तक जाता है, जिसका कारण है कि पंखा कभी कभी थोड़ा सा घुरता है फिर बंद हो जाता है। तो फाइनल गाइस हमें यहाँ से लग रहा है ये किट बिल्कुल खराब हो चुका है। तो पहले इसमें अब क्या खराबी है यह जानने वाले हैं, तो यहाँ से फिर हम लाइन को खोल रहे हैं। अब गाइस यहाँ से हमें देख कर पता करना होता है इस किट में क्या खराबी हुआ है। तो गाइस जैसा कि यहाँ सबसे मेन ट्रांसफार्मर है और ये आप देख पा रहे होंगे ये कैपेसिटर है या कंडेंसर भी इसको बोल सकते हैं, ये दोनों भी कंडेंसर है। और यहाँ पे IC वगैरह है, यहाँ डायोड वगैरह है, ज़्यादातर इसमें जो खराबी होती है गाइस ये डायोड जाता है, उसके बाद यहाँ एक IC है, IC फ्यूज है, दोनों चीज़ इसी जगह, ये दोनों ज़्यादातर खराबी होती है इसमें। तो गाइस हम ट्रांसफार्मर को सबसे पहले चेक करेंगे ट्रांसफार्मर का क्या कंडीशन है। तो पहले गाइस हम यहाँ पर अब फिर इस मल्टीमीटर में यहाँ पर कंटिन्यूटी पर सेट करते हैं, उसके बाद ट्रांसफार्मर का 2 पॉइंट हम आपस में चेक करने वाले हैं, ये देखते हैं बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो गाइस फाइनल यहाँ पर ये देखिए 0.11 बता रहा है, दूसरा पॉइंट भी बता रहा है, और तीसरा पॉइंट हम चेक कर रहे हैं, यह गाइस तीसरा पॉइंट ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा भी नहीं बता रहा है, जो कि देख पा रहे होंगे इसमें ट्रांसफार्मर का ही फॉल्ट है इस किट में। ये किट मतलब जो है कि गाइस इसमें ट्रांसफार्मर का भी फॉल्ट है, आगे क्या क्या फॉल्ट है ये भी चेक करने के बाद हम फाइनल जानेंगे। इससे पहले गाइस और जो होता है ये जो आप देख पा रहे होंगे LED, इसमें भी बहुत खराबियाँ आती है, और
इसमें अगर खराबी आती है तो गैस इसको कैसे ठीक कर सकते हैं यह जानने वाले हैं। जैसे एलईडी इसमें है वैसे भी ऐसे ही एलईडी सेम इसमें भी लगा रहता है। इसमें ज़्यादातर फॉल्ट जैसे इसमें आता है, किसी एक अगर एलईडी जल जाता है तो शॉर्ट कर देने के बाद फिर जलने लगता है ये। इसी तरह से सेम इसमें भी हम कोई भी अगर एलईडी खराब होता है तो उसको हम शॉर्ट करके जला सकते हैं। सेम इसी यही प्रोसेस इसमें भी होता है। तो यहाँ से हम एलईडी को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन सर स्वागत, यहाँ हमको जैसा कि पता चल गया है यह किट पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, तो इस किट को हम खोलकर बिल्कुल हटा देंगे। और मार्केट में यह किट उपलब्ध है, यह किट भी मिलता है, और ये जो किट देख रहे हैं ऐसी वाला जो कि एलईडी ऐसी किट है ये भी मिलता है। तो गाइज फाइनल यहाँ पर हम ले लिया है ये किट जो कि इनपुट 220 वोल्ट आउटपुट 30 वोल्ट एंड 12 वोल्ट देता है। तो वही किट है जो कि मार्केट में हर किट उपलब्ध है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 150 से लेकर 200 के बीच में आपको आसानी से कहीं भी मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर फाइनल हम इसको अभी लगाकर चेक करने वाले हैं ये किट से कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये किट से भी कम नहीं होता है तो फाइनल इस किट में भी हम देखेंगे क्या खराबियाँ हैं। इसको भी चेंज करने के बाद अगर नहीं होता है तो यहाँ पर हम एलईडी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम यहाँ इनपुट वायर को कनेक्ट कर दिए हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे। अब यहाँ हमें ये जो 30 वोल्ट के लिए इस किट से आया है इसको यहाँ पर अभी हम लगाने वाले हैं। तो फाइनल इसको लगा लेते हैं, ये लगा लिया। उसके बाद गाइस ये है मेरा फैन का भी लगा लेंगे। यहाँ पर फैन का जो दिया हुआ है तो फैन का भी इस तरह से लगा लेंगे, जो कि लग गया है बिल्कुल। अब हम इसमें लाइन देकर अभी देखने वाले हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फाइनल गाइस यहाँ पर हम अभी लाइन दे रहे हैं, देख पा रहे होंगे गाइस ये लाइन देने पर काफ़ी बेहतरीन अभी वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो गाइस यहाँ पर फैन भी चल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ फैन चल रहा है, और ये एलईडी भी बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। एकदम सारा कलर एकदम दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए गाइस लाल हरा ब्लू हर तरह का इसमें जल रहा है। एलईडी में कुछ खराबी नहीं है, बस फैन में भी कुछ खराबी नहीं है। ये फॉल्ट था किट में जो गाइस, जिसका कारण था कि ये डीजे लाइट फेंका देता। मात्र 100-150 लगने से यह डीजे लाइट अगर ठीक हो जाता है घर बैठे, तो गाइस ऐसे ही आपको ठीक करना चाहिए, क्योंकि गाइस नया अगर लेते हैं तो 1000 रुपया लग जाता है, यहाँ आपको 150 रुपये में फाइनल आपका ठीक हो जाता है। तो गाइज अब इसमें आगे क्या करना है, फाइनल इस किट को हम सारा नट पर टाइट करेंगे और इस कवर को लगा देंगे। तो गाइज पहले हम लाइन को काट लेते हैं, फिर लगने के बाद इसका हम पूरा फाइनल करने के बाद आपको दिखाते हैं ये जलता है तो कैसा लगता है। तो फाइनल गाइज यहाँ पर इस चारों स्क्रू को इसको टाइट करने के बाद फिर इसको इस तरह से कवर को लगा देना है, जैसे खोले हुए थे उसी तरह से लगाना होता है, जो कि देख पा रहे होंगे ये बैठ गया है बिल्कुल आसानी से। फिर सारा होल्स में हम नट को टाइट कर देंगे उसी तरह से हम जैसे खोले हुए थे, फिर आपको ये दिखाते हैं लगने के बाद। सो गाइज हम फाइनली इस नट को टाइट करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हम लाइन को इन कर दिए हैं, और ये आप यहाँ से कोई भी इसका चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन को, जो कि देख पा रहे होंगे अभी इस तरह से है। यहाँ देख पा रहे होंगे गाइस मेनू लिखा है अप, उसके बाद डाउन और इंटर लिखा हुआ है। यहाँ मेनू से हम इसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि ये देख पा रहे होंगे हम यहाँ से कलर को चेंज कर रहे हैं। ये देखिए अभी गाइस ब्लू, ये इसका डिज़ाइन भी चेंज होता है इस तरह से। ये देखिए गाइस इस तरह से हम इसको नचा सकते हैं। ये डीजे लाइट का गाइस यही सिस्टम है, इसी तरह से रिपेयर होता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह से यहाँ पर मेनू प्रेस करने से इसका डिज़ाइन चेंज होते रहता है। तो गाइस यह डीजे लाइट हर तरह का आता है, और लाइट में एलईडी वगैरह भी जो होता है, जो गाइस 50 वाट का एलईडी, 60 वाट का एलईडी, और वेपर वगैरह होता है जो 100 वाट, 200 वाट, 300, 500 वाट, हर तरह का सामान में हर तरह की खराबी होती है। तो गाइस उस सब के बारे में अगर नहीं जानते हैं वेपर या एलईडी वगैरह, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम लेकर आ सके। आई होप कि गाइस इसमें आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, डीजे लाइट को कैसे हम किट को चेंज कर सकते हैं, एंड वायर वगैरह किट में क्या खराबी है, सारा चीज़ इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे जो भी नए टेक्निकल वीडियो बनाए आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेकर नए दिन मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।